हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भारती की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए नए नाश्ते के साथ फिर से आ गई हूँ और मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कॉर्न चाट, जिसे हम कहते हैं भुट्टे की चाट। तो आप देख सकते हैं कितनी डिलीशियस लग रही है। तो दो तरीके की चाट मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और ठेले स्टाइल की आपके लिए चाट बनाकर लेकर आई हूँ। सबको बहुत पसंद आएगी और फटाफट से भी बन जाएगी, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आपके मुंह में ज़रूर पानी आया होगा इस चाट को देखकर। तो चलिए आखिरी तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो ये मैंने भुट्टा ले लिया है, आपको इस तरह से भी मिल जाएगा, फ्रोज़न जो कॉर्न होते हैं इस तरह से। आप इन्हें अच्छे से साफ़ कर लीजिए, इस तरह के देख सकते हैं, दोनों तरीके से आपको मिल जाएंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने निकाल दिए थे। अब हमने ये एक आइसक्रीम मोल्ड ले लिया है, या तो आप इस तरह से आइसक्रीम मोल्ड में भी इसे डालकर अच्छे से बना सकते हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरह से बनाना है। दो तरीके के आज आपको रेसिपी दिखाने वाली हूँ, तो आपका जो मन करे आप वो बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही स्पेशल आज आप सभी के लिए मैं कॉर्न की रेसिपी लाई हूँ। तो पहले सबसे पहले हम इसे कट कर लेते हैं, तो आप आसानी से बहुत ही केयरफुली आप इन सबको कट कर लीजिए। तो इस तरह के छोटे छोटे मैंने हिस्से कट कर लिए हैं, तो आप इस तरह के पार्ट्स बना लीजिए इनके। तो अब दोनों तरीके के मैंने आपको दिखा दिया है, या तो आप फ्रोज़न कॉर्न भी ले सकते हैं, या आप भुट्टा ले सकते हैं, उसे भी बीच में से कट कर सकते हैं। 2.5 गिलास हमने कढ़ाई में पानी डाल दिया है। अब इसमें 1 चम्मच में नमक डाल रही हूँ, आप चाहे तो आधी चम्मच चीनी और ऐड कर लीजिए, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। मैंने नमक ही यूज़ किया है। जो ये फ्रोज़न कॉर्न्स हैं, इनको मैं डाल देती हूँ पानी के अंदर और अच्छे से इनको हम उबालेंगे। तो उबालने से पहले जो मैंने ये कट किए हुए पीस हैं, इसको भी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो इन दोनों को मैं साथ में ही बॉईल कर लूँगी। और आधी चम्मच मैंने नमक क्यों ऐड किया, आप पूछेंगे कि नमक क्यों ऐड किया है। तो नमक इसलिए ऐड किया है, बिल्कुल बाज़ार जैसे येल्लो जो कलर आता है हमारे कॉर्न में, बिल्कुल उसी तरह से आज हमारे घर पर भी बिल्कुल बहुत ही अच्छी चाट बनकर तैयार होगी, बाज़ार जैसे ही। तो आप इसे ज़रूर आखिरी तक देखें। तो देख सकते हैं कितना अच्छा कलर भी आ चुका है और बिल्कुल अच्छे से बॉईल भी हो चुके हैं। तो अब इन सबको मैं रख देती हूँ साइड में। तो अब हमें क्या करना है आगे, तो आधी चम्मच मैंने इसमें डाली है रेड चिली पाउडर, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधी ही चम्मच मैं इसमें नमक डालूंगी, ज़्यादा नमक नहीं डालूंगी क्योंकि पहले भी हमने नमक डाल चुके थे। और ये हमने धनिया पाउडर ऐड किया है। इसके बाद मैं चाट मसाला ऐड करूंगी, तो थोड़ा सा मैंने चाट मसाला ऐड किया, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे कॉर्न में। और ये मैंने कॉर्न स्टार्च लिया है, जिसे हम अरारोट भी कहते हैं, इससे बहुत ही अच्छी कोटिंग होगी हमारे जो कॉर्न में। और आधी चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है मैदा, तो इन चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दें। और अच्छे से इन्हें हिलाते हुए हम इसे कोट कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी से कोटिंग आ चुकी है हमारे कॉर्न में, तो थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, जिससे कि अच्छे से ये कोट हो जाए सारे मसालों में। बहुत ही अच्छी लेयर आ जाएगी, बहुत ही क्रिस्पी हमारे जो कॉर्न चाट है वो बनकर तैयार होगी। तो देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से कोट हो चुका है, आपको सबको दिख ही रहा होगा। तो अब हमने लिया है तवा, तवा गरम कर चुके हैं, थोड़ा सा मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, इसके साथ साथ मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा बटर, तो बटर का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। आप चाहें तो सिंपली बटर में भी इसे बना सकते हैं। तो बटर और तेल में इसलिए बना रही हूँ, बिल्कुल बाज़ार जैसा बनाने के लिए, बिल्कुल बाज़ार जैसा आपको टेस्ट आए, इसीलिए मैंने आपको ये वाली रेसिपी इसी तरह से बताई है। तो इन सबको हम अच्छे से चारों तरफ से फ्राई कर लेंगे, हमें डीप फ्राई नहीं करना है, तवे पे इसलिए मैं कर रही हूँ। बहुत ही इजी से 2 मिनट में आपकी ये रेसिपी बन जाएगी और चाय के साथ तो मज़ा ही आ जाएगा इसका। तो आप इसे ज़रूर अपने घर पे ट्राई करें, फटाफट से अलट पलट के हम इसे अच्छे से सेक लेते हैं। तो अच्छी सी कोटिंग आना स्टार्ट हो चुका है, लाइट गोल्डन ब्राउन कलर भी आ चुका है हमारी कॉर्न्स में। तो ये जो कॉर्न चाट है, इसे आप ज़रूर घर पर बनाकर खा सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएगी, शाम को या सुबह नाश्ते में भी बना सकते हैं। तो देख सकते हैं गर्मा गर्म हमारी चाट बनकर तैयार हो गई है। अब इसके बाद आपको दिखा देती हूँ कितनी अच्छी लेयर आई है हमारे कॉर्न में। तो इसे आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है सबको ये रेसिपी। अब बारी आ जाती है, इसे हम साइड रख देते हैं थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर, तो दूसरी वाली रेसिपी की। तो हम
जो हमारी दूसरी रेसिपी है वो बनाएंगे। तो ये वाले मैंने स्वीट कॉर्न्स भी उबाल लिए थे, तो इन्हें भी एक बाउल में डाल देते हैं। इसके बाद जो आधा बटर बचा हुआ था वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। तो ये वाला जो बटर है इसे भी हम अच्छे से ऐड कर लेते हैं। इसे हम बिल्कुल बटर में बनाएंगे, बटर कॉर्न स्वीट। तो ये जो बटर है हमने अच्छे से इसमें मिला लिया है, तो बटर कॉर्न चाट बनाकर बिल्कुल तैयार कर देंगे। तो आधी पिंच मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है, आधी चम्मच ही मैं इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, और आधी चम्मच ही मैं इसके अंदर चाट मसाला। तो वन पिंच ही आपको लेना है क्योंकि ये कम है। और मैंने ये एक लेमन जूस लिया है, तो थोड़ा सा लेमन जूस भी ऊपर से डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और बिल्कुल जैसे बाहर मार्केट में चाट को हम मिक्स करते हैं बिल्कुल उसी तरह से फटाफट से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद मैं इसमें पेरी पेरी मसाला डाल रही हूँ, तो इससे और ज़्यादा हमारी जो चाट में जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। और देख सकते हैं दोनों हमारी जो चाट है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। थोड़ा सा इसे गार्निश कर देते हैं धनिया से, तो बहुत ही अच्छा, देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है हमारी चाट और बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। शाम के नाश्ते में आप इसे ज़रूर बनाकर खा सकते हैं और सबको बहुत पसंद आने वाली है। आप सबके मुंह में पानी आ गया होगा इस वाली चाट को देखकर, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए पास से कितनी टेस्टी लग रही है, डिलीशियस लग रही है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अपने घर पर। और हमारी ये जो दो चाट हैं, कॉर्न चाट बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है, ये बटर कॉर्न चाट बनकर तैयार हो गई है। इसमें भी थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया है, और देख सकते हैं हमारी जो चाट है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है खाने के लिए। तो फटाफट से आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप सभी को ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।